हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने टेक्नो कैमोन 30 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के साइड वाले पावर बटन को दबाए बिना आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मोबाइल फ़ोन के साइड वाले पावर बटन को दबाए बिना फ़ोन को स्विच ऑफ किया जा सकता है। कैसे? इसके लिए आपको मोबाइल फ़ोन का ना सेटिंग का पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग के इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है स्पेशल फंक्शन, इसे टैप करना है। इसके अगले पेज को आपको ऊपर करना है ऐसे, तो आपको एक्सेसिबिलिटी का ये ऑप्शन दिखेगा, इसे टैप करना है। अब देखिए इस पेज में आपको ये ऊपर एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इस वाले पेज में आपको ये एक्सेसिबिलिटी मेन्यू शॉर्टकट के सामने जो बटन है, इस बटन को टैप करके ऑन करना है। तो देखिए जैसे इस बटन को टैप करके मैं ऑन करूंगा तो मेरे फोन के नीचे यहां पे ना कोने में एक एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का शॉर्टकट बटन यहां पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बटन टैप करेंगे ना तो आपका ये पेज आता है, इसमें आपको नीचे अलाउ का ये ऑप्शन टैप करना है, ठीक है। अब यहां पर आपका ये पेज आता है, इसमें आपको नीचे गॉट इट का ये ऑप्शन आपको जरूर टैप करना है, तो आपका ये बटन जो है ऑन हो जाता है। और जैसे ये बटन ऑन होता है तो देखिए हमारे फोन के सबसे नीचे ये एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का ये बटन यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। तो ये बटन आपके फोन की स्क्रीन पे आपको सभी जगह आपको दिखाई देगा, आप इस बटन का कभी भी किसी वक्त आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको करना ये है कि ये जो एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का शॉर्टकट बटन है इसे टैप करना है। आपका एक छोटा सा पेज आता है, इस पेज को आप लेफ्ट और राइट स्लाइड कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इस पेज में आपको ये ऑप्शन मिलता है पावर का ये ऑप्शन आपको टैप करना है, तो आपका ये पेज आता है। इस पेज में आपको ये ऑप्शन मिलता है पावर ऑफ पे आप टैप करेंगे तो इससे आपका फोन जो है स्विच ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये एक तरीका है मोबाइल फोन के साइड वाले पावर बटन को दबाए बिना फोन को स्विच ऑफ करने का तरीका। तो आज के इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस सेटिंग का आप अपने फोन में यूज करके देखिएगा, ठीक है।